चलो देखते स्टार्ट करते हैं। आए बड़े अभी आएंगे। नहीं नहीं अभी जीरो थे। अभी देखो 2 मिनट के अंदर बच्चे बढ़ जाएंगे, 70-80 हो जाएंगे। चलो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। आज अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में हम लोगों ने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पानी कैसे, अभी तक हमने जो डिस्कस कर चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कहा कि सॉइल में पानी डालते हैं, सॉइल में वाटर होता है, और सॉइल में जो वाटर होता है वो सॉइल से निकल कर, जो वाटर था सॉइल में वाटर था वो सॉइल से निकल कर कहां जाता है पानी, पहले सबसे पहली जगह रूट हेयर, वेरी गुड, रूट के हेयर में जाएगा, रूट हेयर में जाएगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ रही है। आज लाइव आपका रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा है, टाइम क्योंकि चेंज हुआ है, बहुत सारे बच्चे इस टाइम में फ्री नहीं थे, इसलिए आज आपका यूट्यूब पे लेक्चर है। क्लियर है, जिसको लाइव देखना लाइव देख लो, जिसको रिकॉर्डेड चाहिए। हाँ गुड आफ्टरनून सब बच्चों को। चलो बोर्ड भी दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड दिखाई दे रहा है, यस हाँ। चलो स्टार्ट करा जाए तो क्लास। हाँ हमने कल की क्लास को 1 मिनट में रिकॉल करते हैं कि हमने कहा था सॉइल में जो वाटर होता है वो वाटर पहले रूट के हेयर में जाएगा। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर, रिप्लाई करो जल्दी से। यूनिसेलुलर। रूट हेयर कैसे होते हैं? थिन वॉल होती है, थिक वॉल होती है, तो यूनिसेलुलर होते हैं, उनकी वॉल थिन होती है, तो चीज हम पढ़ चुके हैं। तो रूट हेयर थिन होते हैं, की वॉल थिन होगी, यूनिसेलुलर होंगे। रूट हेयर का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। जल्दी से याद करो जो क्लास याद है कि रूट हेयर से पानी अब कहां जाएगा, अगला स्टेप एपिडर्मिस। तो रूट हेयर से पानी कहां जाएगा? एपिडर्मिस में जाएगा। तो रूट हेयर से पानी आवाज आ रही है अभी? कहां गए बाकी बच्चे? चलो जो जहां गए जाने दो। तो सॉइल से वाटर जो है रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर से वाटर एपिडर्मिस में जाएगा, और एपिडर्मिस से वाटर कहां जाता है जल्दी से याद करो, कॉर्टेक्स में। तो यहां से कहां जाएगा? कॉर्टेक्स में वाटर जाएगा, कॉर्टेक्स में पहुंच गया वाटर, और कॉर्टेक्स से कहां जाएगा? कॉर्टेक्स से वाटर कहाँ जाएगा जल्दी से बोलो। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, क्या करें बच्चा, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, तो कोशिश तो कर ही रहे हैं अच्छे से अच्छा दिखाने की आपको, अब इससे ज्यादा बाप रे कुछ ज्यादा ही पहुंच गया, टकरा जाएगा। वेट वेट कुछ करते हैं, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ हुआ जो अभी दिखा क्या? अभी दिखने लगा बोर्ड क्लियर, वेरी गुड। चलो तो सॉइल से वाटर रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर से वाटर एपिडर्मिस जाएगा, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स जाएगा, कॉर्टेक्स से कहां जाएगा? एंडोडर्मिस में जाएगा, और एंडोडर्मिस से वाटर कहां जाता है? एपिडर्मिस से वाटर कहां जाएगा? पेरिसाइकल में जाएगा, और पेरिसाइकल से वाटर कहां जाएगा? जाइलम। ऐसे वाटर जाइलम तक पहुंचता है। तो जो मिट्टी में पानी डालते हो, पेड़ के पास पानी डालकर आओगे आप सॉइल में वाटर जो डालते हैं, वो सॉइल से वाटर कहां तक, जाइलम तक कैसे पहुंचता है, ये आपने समझा यहां पे स्टेप बाय स्टेप। दो रास्ते जाने के, एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट कहां से जाएगा? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह से, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच क्या कहते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस या इंटर सेलुलर स्पेस।
दो सेल के बीच की जगह को बोल सकते हो, यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हो। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दो मेम्ब्रेन के बीच में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरिप्लाज्मिक स्पेस से होता हुआ मटर वहां तक पहुंचेगा। कोई दिक्कत? आपका एपोप्लास्ट फास्ट होता है, सिम्प्लास्ट स्लो होता है, दो चीज पढ़ाई थी। क्योंकि सिम्प्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म को क्रॉस करना होता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए सिम्प्लास्ट कंपैरेटिवली स्लो होता है। सिम्प्लास्ट की वजह से कौन सी स्ट्रीमिंग होती है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। किसकी वजह से होती है? सिम्प्लास्ट की वजह से, एपोप्लास्ट की वजह से, सिम्प्लास्ट की वजह से। सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्माटा से होता है पानी, ये सब कुछ उन्होंने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और पानी इस तरह जो मिट्टी में पानी लगा था वो जाइलम तक पहुंचा दिया था हमने लास्ट क्लास में, इतना पढ़ रखा है। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछो, लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था पानी कैसे जाइलम तक पहुंचता है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते, पानी कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ वाटर, फॉर्म ऑफ वाटर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं है तो चाहो स्किप कर सकते हो, लेकिन सुन लो एक मिनट का, बहुत इजी सा चीज है दिमाग में रखने के लिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, पानी के कई सारे फॉर्म होते हैं। नंबर वन ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर नाम से मालूम चल रहा है ये कौन सा कहां पे होगा पानी, ये पानी को ग्रेविटी ने नीचे की ओर खींच लिया होगा। ऐसा पानी जो ग्रेविटी की वजह से बहुत नीचे चला गया है, जमीन के बहुत नीचे चला गया है, और बहुत नीचे चला गया है तो बताओ इतनी नीचे है क्या इस पानी को पेड़ ले सकते हैं क्या, अवेलेबल फॉर प्लांट और नॉट, बहुत नीचे है बहुत गहराई में तो इसको पेड़ पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं नेचुरली, नेचुरली इनका एब्जॉर्प्शन प्लांट नहीं कर सकते, प्लांट के अवेलेबल है नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से बहुत नीचे चले गए हैं। इनको टुल्लू पंप से मोटर लगाकर कुएं खोदकर ये सबसे बाहर निकाल सकते हैं इस पानी को हम, लेकिन नेचुरली इनको प्लांट ले सकते हैं या नेचर में नहीं ले सकते, बहुत गहराई पे चले गए, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। दूसरा प्लांट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, पानी का दूसरा टाइप होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नाम से मालूम चल रहा है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से प्लांट का ये पानी जो है सॉइल के साथ बहुत टाइटली बाइंड होता है, वेरी टाइटली बाइंड विद द सॉइल, इतना टाइट बाइंड होता है कि सॉइल से बोलता है से मैं कभी जुदा नहीं होगा, जन जन का साथ ले लिया है, आई विल नॉट लीव यू नेवर एवर। कौन किसको प्रॉमिस कर दिया? वेरी टाइटली बाइंड विद सॉइल, सॉइल से बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड हो चुका है, ये इतना टाइटली बाइंड हो चुका है कि ये पानी कभी सॉइल को छोड़ेगा ही नहीं, पानी सॉइल को छोड़ेगा नहीं, उसके साथ चिपका हुआ रहेगा पतली सी फिल्म के फॉर्म में, तो ये पानी पेड़ ले पाएंगे तो छोड़ेगा ही नहीं, मिट्टी को छोड़ देगा ही नहीं किसी भी हालत में, मिट्टी के साथ बंधा हुआ है तो पेड़ इस पानी को ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे, पेड़ इस पानी को नहीं ले पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो ये वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट, इस प्लांट को हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, इस पानी को तीसरा टाइप पानी बोलते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर, तीसरा पानी का टाइप है, लिख सकते हो चाहो तो इंपॉर्टेंट है केमिकल, मतलब सुनने के लिए एक बार सुनने के लिए काफी है, एक बार सुनने के लिए केमिकल कंबाइंड वाटर, लिखने की जरूरत भी नहीं है, एक बार देख लो में काफी है, एक ही बार पढ़ने लायक है। केमिकल कंबाइंड वाटर, ये डिफरेंट फॉर्म में केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में वाटर होता है, जैसे आपको पता है कि पानी का फॉर्मूला क्या है H2O, कोई केमिकल में H2O है, किसी केमिकल के अंदर पानी भरा हुआ, केमिकल फॉर्म में पानी भरा हुआ है, पानी के फॉर्म में पानी नहीं है, केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में वाटर होता है उसको केमिकल कंबाइंड वाटर कहते हैं। कई सारे केमिकल का फॉर्मूला देखना उसमें H2O रहता है, तो बहुत सारे केमिकल के फॉर्म में अगर वाटर है, केमिकली फॉर्म वाटर है, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं है, ये केमिकल के फॉर्म में वाटर, इसको केमिकली कंबाइंड वाटर कहते हैं। और केमिकली कंबाइंड वाटर पानी बहुत सारा मिट्टी में होता है, क्या उसको ले पाता है प्लांट? ये वाला पानी भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो याद रखिएगा ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ वाटर नॉट अवेलेबल फॉर
not available for plant naturally. Plant nature में इन तीनों में से किसी भी पानी को नहीं ले सकता. ऐसे एक्सेप्शन है कुछ कुछ, जैसे कि ग्रेविटेशनल वाटर बहुत नीचे होता है, तो कोई कोई प्लांट ऐसे हैं जिनकी रूट इतनी नीचे तक जाती है, खास तो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं जैसे कि कैलोट्रॉपिस. ऐसे कुछ प्लांट है दुनिया में जिनकी रूट बहुत गहराई तक जाती है, बहुत गहराई तक, सीना छीड़ कर जमीन का, जमीन की गहराई तक पहुंच जाती है. जीरोफाइटिक प्लांट है कुछ ऐसे दुनिया में, एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, वो ले लेती है इस पानी को, पी लेती है. यूकेलिप्टस है, उसकी रूट बहुत नीचे तक जाती है. कुछ प्लांट है जिनकी रूट बहुत नीचे तक जाती है, वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे. लेकिन जनरली देखें, जनरली प्लांट्स के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, ये पानी अवेलेबल नहीं है, ये पानी अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स इन पानी को नहीं पी सकता. तो प्लांट्स कौन सा पानी पीता है फिर? तो चौथा पानी का जो टाइप है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये. चौथा जो पानी के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल है, पेड़ों के लिए कौन सा पानी अवेलेबल है, कैपिलरी वाटर बोलते हैं उसको. कैपिलरी वाटर, याद रखिएगा ये वर्ड, कैपिलरी वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर है. तो आप जो पेड़ों को पानी डालते हो, पेड़ जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन सा पानी लेते हैं इन चारों में से? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, अगर पूछ लिया गया तो राइट आंसर होगा कैपिलरी वाटर. इट इज ओनली वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट, अवेलेबल वाटर है, अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट, प्लांट के लिए ही वाटर अवेलेबल है. कैपिलरी नाम से मालूम चल रहा है, कहां पर होगा? सॉइल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भरा हुआ होगा ये पानी, जिससे पेड़ आसानी से ले सकता है. सॉइल के अंदर नहीं होगा, सॉइल चिपका नहीं होगा. ये सॉइल है, ये सॉइल है, बीच में खाली जगह है, वहां पर पानी भरा हुआ होगा, इसको कैपिलरी वाटर कहते हैं. सॉइल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये पानी पाया जाता है, इसलिए इसको कैपिलरी वाटर कहते हैं. और इस पानी को आराम से पेड़ ले सकता है. जो सॉइल के अंदर चला गया उस पानी को नहीं देगा सॉइल, लेकिन जो सॉइल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच फंसा हुआ पानी है उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं. यही इकलौता पानी अवेलेबल है. चलेगा इतनी सी बात, बहुत अच्छी बात है. एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी वाले, पिछले स्ट्रीम का शॉर्ट ले लीजिए जिसको लेना है. चलो रफ कर रहे हैं इसको, मारेंगे ना हाथ में. क्या कर रहा तुम, हाथ से लो. अगला वर्ड है पोलार्ड. पोलार्ड करके एक वर्ड होता है, H-O-L-A-R-D, पोलार्ड. पोलार्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टोटल वाटर, जितना भी पानी आपका है सारे पानी को एक साथ पोलार्ड कहते हैं. और पोलार्ड दो दो भाग से बना है, दो चीजों से मिलकर बना है. पोलार्ड स्क्वायर होता है क्रेसार्ड और एकार्ड. एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट में पूछे जाते थे, आपको पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, सुन लो बस एक मिनट में, एक मिनट टाइम लगना था इसलिए मैं बता दें. कैसार्ड डी लिखा है ये ना, कैसार्ड प्लस एकार. कैसार्ड और एकार्ड मिलकर बनाते हैं होलार्ड. ये तीन टर्म आते हैं आपको, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है? कैसार्ड एकार्ड होलार्ड. पोलार्ड मतलब टोटल वाटर, टोटल जितना भी पानी है टोटल वाटर को एक साथ कहते हैं पोलार्ड. क्रेसार्ड का मतलब होता है अवेलेबल वाटर कि अनअवेलेबल वाटर. अवेलेबल वाटर जितना पेड़ों के लिए अवेलेबल है, वाटर विच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर है, ए बी ए आई एल ए बी एल टी, अवेलेबल फॉर प्लांट, प्लांट्स के लिए जो पानी अवेलेबल है उसको हम क्रेसार्ड कहते हैं. और प्लांट्स के जो वाटर अवेलेबल नहीं है उस वाटर को एकार्ड कहते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट. जो वाटर प्लांट्स के अवेलेबल नहीं होता उसको एकार्ड कहते हैं, जो अवेलेबल होता है उसको क्रेसार्ड कहते हैं, और पूरे पानी को एक साथ पोलार्ड कहते हैं. तो आपसे कोई पूछेगा कि विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कौन सा वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से, पोलार्ड एकार्ड क्रेसार्ड, इन तीनों में से कौन सा वाटर प्लांट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आंसर क्या होगा? चलिए से दो गायबे हो गया ये लोग, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, क्रेसार्ड सही आंसर है. क्रेसार्ड,
क्रसार्ड वाटर अवेलेबल वाटर है प्लांट्स के लिए, और सारे पानी के साथ पोलार्ड कहते हैं ये वर्ड। आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए हैं, एनसीईआरटी में नहीं थे लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपके पास आ गए। रफ कर दे इनको, एक मिनट लगा है इसलिए एनसीईआरटी के बाहर एक आध मिनट के लिए जा सकते हैं, एक बार सुनने के लिए काफी है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आपको पढ़ाना था कहां से, कल पानी को रूट के अंदर घुसा दिया था हमने, कौन सा पानी घुसा था जल्दी से आंसर दो, कैपिलरी वाटर। कौन सा वाटर गया था, कैपिलरी वाटर, जो सॉइल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में था वो पानी अंदर गया, अवेलेबल वाटर वही था। क्रेसार्ड गया अंदर, कहां तक गया, कैसे कैसे गया, सॉइल से रूट हेयर में गया, रूट हेयर से एपिडर्मिस में गया, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस में गया, इंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में गया, और पेरिसाइकल से जाइलम तक पहुंच गया। इस तरह पानी हमारा जाइलम तक पहुंच चुका है। अब जाइलम से पेड़ की ऊंचाई तक भेजना है, ऊपर तक पानी भेजना है, तो बताना पेड़ की ऊंचाई तक इतनी ऊंचे 100 फुट ऊपर भेजना है, 100 मीटर ऊपर भेजना है पानी को, 100 मीटर ऊंचाई तक पानी जो चढ़ना है इतनी ऊंची सीधा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से चलेगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा, एनर्जी खर्च होगी या नहीं होगी। इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे चढ़ेगा, 100 मीटर ऊपर तक चढ़ना है पानी को, एनर्जी खर्च कर चढ़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा या पैसिव, ज्यादा रखना मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट पैसिवली होता है, एनर्जी खर्च नहीं होती, मेनली पैसिव होता है। कैसे होता है बताएंगे, इतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ा कैसे जाता बिना एनर्जी खर्च, अगेंस्ट द ग्रेविटी आता है, टूवर्ड द ग्रेविटी आता है, ग्रेविटी यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट वर्ड नहीं है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कहती है नीचे आओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है पानी, बहुत मेहनत करके जाना होगा, देखते कैसे पानी जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, क्वेश्चन मार्क था कि इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे चढ़ता है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजों से एक्सपेरिमेंट से अलग अलग चीजें बताई। अभी तक हमको दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पहला क्वेश्चन का मिल गया है आंसर कि आपका पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है या फ्लोएम से होता है, कैसे जाने जाइलम से ही होता कहीं और से नहीं होता। हमने क्या किया था, एक प्लांट लिया था, एक्सपेरिमेंट याद कर लो, प्लांट्स लिया था, प्लांट्स की रूट थी, इसको क्या किया था, कलरफुल सॉल्यूशन, यहां पर कलरफुल सॉल्यूशन डाल दिया था, कलरफुल सॉल्यूशन डालने की वजह से यहां पे कलरफुल सॉल्यूशन जो डाला था, एक डाई डाल दी, केमिकल डाल दिया था, डाई डाल दिया था, तो ये जहां जहां से पानी गिरा होगा वहां वहां पर उसने कलरफुल हो गया। अब पेड़ को काट कर देख लिए, उसकी एपिडर्मिस में कलरफुल है, कहां पर, यहां से काटे पेड़ को, ये सेक्शन काट लिए पेड़ का, और देखा कि इसकी एपिडर्मिस कलरफुल दिख रही है या इसका आपका कॉर्टेक्स कलरफुल दिख रहा है, एंडोडर्मिस दिख रही है कि आपका पेडिसाइकल दिख रहा है कि जाइलम दिख रहा, कौन सा पार्ट कलरफुल दिखेगा। अगर इसका डीएस काटा आपने, यहां से ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटकर हमको मालूम चल गया इसका जाइलम कलरफुल है, मतलब पानी इसी रास्ते से गया रहा होगा, मतलब जाइलम ही वो रास्ता है जहां से पानी गया, कैसे जाने, ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिए प्लांट का कुछ घंटों के बाद, समझ में आई बात, और इस ट्रांसवर्स सेक्शन से मालूम चल गया आपको कि प्लांट इसी रास्ते से होकर जाता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं इतना हमको मालूम चला, कलरफुल सॉल्यूशंस वाले एक्सपेरिमेंट से मालूम चला प्लांट का में वाटर का मूवमेंट जाइलम से होता है, पानी रूट से जाइलम तक कैसे आती है हमने पढ़ लिया, अब जाइलम से ऊपर पानी कैसे चढ़ता है ये आज की क्लास में पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चों के पास, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, बहुत लंबे समय तक कंट्रोवर्सी था, कुछ लोग कहते पानी को धक्का मारकर ऊपर तक भेजा जाता है पुश करकर, और कुछ लोग का मानना था कि ऊपर से पानी को खींचा जाता है, पुलिंग की जाती है। आपको क्या लगता है, पुश या पुल, आंसर याद करिए जल्दी से, पुश या पुल, सही आंसर है पुलिंग, पानी को खींचा जाता है, हम जान चुके पहले कंट्रोवर्सी था, जान के पानी को ऊपर से खींचा जाता है, पुलिंग की जाती है, धक्का नहीं मारा जाता, ठीक है। पहले लोगों को मानना था पुश या पुल, दोनों में से कुछ दोनों हो सकता है, कुछ लोग पुश मानते थे, कुछ लोग पुल मानते थे, पहले पुश वाला वाला देखते हैं। एक बर्ड आता है रूट प्रेशर, इसको समझने के लिए बर्ड आता है रूट प्रेशर, इसको समझते हैं, प्लांट की रूट लगातार पानी को अब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही है,
समझ में आ रहा, वाटर को, मिनरल्स को और भी बहुत सारे सब्सटेंस को रूट हेयर के थ्रू एपिडर्मिस से होते हुए जाइलम तक आ रहे हैं। बार बार पानी आ रहा है रूट से, और बार बार पानी अंदर की ओर आ रहा है, सॉइल से वाटर आ रहा है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर पानी ज्यादा होगा कि सॉइल में ज्यादा होगा? रूट अंदर आ जाएगा पानी ज्यादा, मतलब सॉइल में ज्यादा होगा, इसलिए सॉइल से आया। सॉइल से पानी रूट के अंदर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और रूट के अंदर बहुत सारा पानी आ जाएगा तो एक प्रेशर लगाएगा नहीं लगाएगा? तो रूट के अंदर जब पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, रूट प्रेशर क्या है? रूट के थ्रू वाटर जब अब्जॉर्ब करता है, प्लांट की रूट जब बहुत सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब करने के बाद उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है और उसी प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। ये लाइन समझ में आ रही सभी को? रूट प्रेशर क्या होता है? पेड़ की रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है एक प्रेशर जनरेट होता है जाइलम में, और उसी प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर से क्वेश्चन क्या होता है? ये पॉजिटिव प्रेशर है या निगेटिव प्रेशर है? क्वेश्चन एक नंबर आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वाटर का मूवमेंट जो होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से भी होता है और निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से भी होता है। ये पॉजिटिव प्रेशर है या नेगेटिव प्रेशर है? याद रखिएगा, रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर, पहला वर्ड याद रखिएगा, पॉजिटिव प्रेशर है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, याद रखिएगा रूट प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रूट प्रेशर पानी को पुल करता है या पुश करता है? धक्का मारेगा ऊपर, जा 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 नीचे, धक्का मारेगा, पुश करेगा कि पुल करेगा? पुश करता है, दूसरा वर्ड समझिएगा पुशिंग प्रेशर, ये पुश करता धक्का मारने वाला, क्लियर इतनी सी बात? पुश करता है, क्या यही पानी को ऊपर तक चढ़ाता है? रूट प्रेशर की वजह से ही पानी ऊपर तक चढ़ता है? क्वेश्चन ये है, क्या वाटर ऊपर तक रूट प्रेशर की वजह से ही जा पाता है? नहीं, आंसर है नो, ये पानी को ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता क्योंकि ये प्रेशर बहुत कम होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 atm होता है प्रेशर इसका, प्रेशर कितना था? 2 से 3 atm के आसपास, और 2 से 3 atm बहुत कम है कि ज्यादा है? कम है, मतलब 2-3 meter तक पहुंचा सकता है। थोड़ी दूर तक कोई छोटा पेड़ है, कोई छोटा सा पेड़ है 1-2 meter का, तो 2-3 foot तक पहुंचा सकता है, 2-3 foot बोलेंगे, 2-3 foot तक आपका इतनी ऊंचाई तक का पेड़ है इसमें पानी पहुंचा सकता है रूट प्रेशर, लेकिन बहुत ऊंचा पेड़ में नहीं, तो ज्यादा ऊंचे पेड़ों में ये पानी पहुंचाना इसकी बस की बात नहीं, 100 meter तक पहुंचाना इसकी बस की बात नहीं, थोड़ी दूर तक पानी पहुंचा सकता है, धक्का दे के पानी को थोड़ी दूर पहुंचा सकता है। इसका मेन काम क्या है? वाटर को ऊपर तक पहुंचाना, या सामने नहीं, उतनी मदद इसका इसकी बस की बात ही नहीं है। ये करता क्या है तो समझना, आपके घर की बात बता रहे, जल्दी एग्जाम्पल करो समझना, आपके घर का एक कैसे समझाएं तुमको, हाँ आपके घर में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारे सामान को कुछ चल रहा है, आपकी शिफ्टिंग चल रही है, आपकी सारी टेबल्स को यहां से उठाकर ले जाना है आपके दूसरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से उठाकर इस सारी टेबल को दूसरी बिल्डिंग में ले जाना है, समझ रहे हैं बात को? ये काम 4 मजदूर कर रहे हैं, लेबर्स कर रहे हैं काम, उठा उठा कर लेके जा रहे टेबल को, आप सिर्फ यहां पे खड़े खड़े कर जा रहे हो, टेबल देते रहो, या ले लो या ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा हटा हटा कर दे रहा हूं और हेल्प कर रहा हूं, जस्ट हेल्प कर रहा हूं, गेट के बाहर ले जाके आप रख दे रहे हो बस, आपके घर का सामान लेकर जाना दूसरे के घर, दूसरे के घर में शिफ्ट कर रहे हो, तो आपने क्या किया, अपना सामान निकालने का घड़ी निकाल कर रख दी, कल ले जाओ, लेबर लोग ले जा रहे हैं, आप ले जा रहे हो या लेबर ले जा रहे हैं? क्योंकि आपके बस की बात नहीं इतने भारी भारी सामान उठाकर आप वहां तक ले जा पाओ, आपके बस की बात है क्या? सिर्फ आप क्या कर रहे हो, निकाल निकाल कर सामान दे दे रहे हो, थोड़ी दूर तक हेल्प कर रहे हो, थोड़ी सी हेल्प कर रहे हो, जिससे कि वो लोग लगातार प्यारी बात, तो वैसे ही थोड़ा सा हेल्प करने वाला है। रूट प्रेशर क्या करेगा, इसका मेन काम क्या है, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम मेंटेन करना, मेंटेन टू मेंटेन कंटिन्यूअस वाटर कॉलम
वाटर कॉलम को कंटिन्यूअस कंटिटी मेंटेन रखना, पानी को लगातार प्रोवाइड करते रहना, बस इतना सा काम है। बस वाटर कॉलम टूटना जाए, जो पानी ऊपर जा रहा है उसका कॉलम टूट जाए, वाटर की एबिलिटी बनाए रखना वहां पर, जिससे पानी ऊपर जाता रहे समय समय पर, जितना भी पानी खींचना है। ये पानी को ऊपर नहीं चढ़ाता, याद रखिएगा, पुशिंग प्रेशर से पानी नहीं चढ़ता, पुशिंग प्रेशर थोड़ी दूर तक पानी को चढ़ा, सर्टेन डिस्टेंस तक पानी को चढ़ा सकता है। ओनली इट कैन पुश द वाटर ओनली फॉर द सर्टेन डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। सही है कार्तिक, आपका आंसर सही है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना वाटर कॉलम की, यही इसका मेन काम है। आपने कभी किसी प्लांट को देखा, छोटे से प्लांट को, छोटा सा प्लांट देखा है, एक छोटा सा प्लांट अपने घर पे लगा हुआ है, सड़क के किनारे लगा हुआ है, कोई छोटा सा हार्बेशियस प्लांट, जब पानी वाली सफिशियंट अमाउंट उसको मिल रहा हो, ऐसी जगह पे सूखे में पड़ा हुआ है, ऐसे प्लांट पास मत जाना, पानी वाली हो आसपास में, अच्छा सा मिट्टी में, ऐसा सड़क के किनारे कहीं प्लांट लगा हुआ है, देखो छोटा सा बिछाड़ा सा प्लांट लगा, बड़ा मासूम सा प्लांट, ये एक प्लांट लगा हुआ था, बड़ा मासूम सा प्लांट था, देख पा रहे हो, छोटा सा प्लांट था मेरे घर के पास, हम गए इसके पास, बड़े प्यार से गए और एक ब्लेड लेकर गए, उसको काट दिए, इस पेड़ को काट दिए, इस मासूम से प्लांट को काट दिया, कहां से काटा, नियर टू रूट, रूट के पास से जाकर इसको काट दिया, इस पेड़ को कभी काटे हो ऐसा, तोड़े हो हाथ से, सार ब्लेड से या किसी चीज से तोड़ देना, ऐसा खिंचा के नहीं, सार ब्लेड से तोड़ दिया हमने, काट दिया, यहाँ पर क्या होगा कोई बता सकता है, यहाँ पर क्या होगा अगर ध्यान दिया हो किसी ने तो, देख लेना यहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर निकल आएगा इस जगह पर, आया है हाँ, तो ये क्यों, किस वजह से पानी आया, कोई ऊपर से खींच रहा है पानी, ऊपर कोई है ही नहीं तो कौन खींचेगा पानी, कहां से पानी आ रहा है, तो मतलब किसकी वजह से, कट पार्ट पे, कट ब्लंट लिंब पर जो पानी आ रहा है कोई ऊपर खींचने वाला है ही नहीं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं खींचने के लिए, तो पुशिंग तो पुलिंग तो हो ही नहीं, पानी यहां कहां से निकल रहा है अपने आप, रूट प्रेशर की वजह से पानी निकल रहा है, कट पार्ट से पानी निकल रहा है, जैसे आपके शरीर में चोट पर क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग कहते हैं, वैसे ही प्लांट को जो चोट लगती है तो उसके चोटिल पार्ट से, कट वाले पार्ट से पानी निकलने लगता है, और यही है ब्लीडिंग, प्लांट में भी इसे ब्लीडिंग ही कहते हैं, डॉक्टर पूछे व्हाट इज ब्लीडिंग या एक्जुडेशन वर्ड यूज किया जाता है, एक्जुडेशन या ब्लीडिंग वर्ड आपसे पूछे व्हाट इज एक्जुडेशन और ब्लीडिंग, आंसर होगा कट पार्ट से पानी का बाहर निकलना ही आपका वाटर, प्योर वाटर नहीं होता एक्चुअली में, वाटरी सब्सटेंस होता है ये, वाटरी सब्सटेंस का कट पार्ट से बाहर ही ब्लीडिंग या एक्जुडेशन के नाम से नजर आता है, ब्लीडिंग या एक्जुडेशन वर्ड आपसे पूछा जाए व्हाट इज ब्लीडिंग या व्हाट इज एक्जुडेशन, आंसर होगा ऊजिंग ऑफ वाटरी सब्सटेंस, ऊजिंग मतलब निकलना, डबल ओ जेड आई एन जी, बाकी एनसीईआरटी में लिखा है ऊज, ऊज मतलब बाहर निकलना, ऊजिंग आउट या ऊजिंग ऑफ वाटरी सब्सटेंस फ्रॉम द कट पार्ट, कट पार्ट से पानी बाहर निकला तो उसे ही क्या कहेंगे, ऊजिंग के नाम से जानेंगे, क्या भेज रहा है तुम, भेज रहा है तुम लोग क्या, उज्ज्वल कार्तिक क्या कर रहा है तुम लोग, तो टू मेंटेन द कंटिन्यूअस वाटर सॉरी हाँ, तो ऊजिंग ऑफ वाटरी सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस बाहर निकलेगा, कहां से निकलेगा, कट पार्ट से, इसे ब्लीडिंग या एक्जुडेशन के नाम से जानेंगे, कार्तिक क्या कह जाए तुम, ये जल्दी से बोलो, सर बफरिंग हो रहा है, अच्छा बीच बीच में रुक जाता है, ओके, अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, नेटवर्क इशू कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ना रुके सर, लेकिन हाँ गटेशन अभी पढ़ेंगे, गटेशन अभी बचा हुआ है, गटेशन पढ़ने वाले हैं, अभी हमने आपको सिर्फ ब्लीडिंग और एक्जुडेशन बताया, वहां तक समझे पहले, तो आपसे भी पूछे ब्लीडिंग या एक्जुडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है,
आंसर क्या होगा? रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की वजह से ओजिंग ऑफ वाटरी सब्सटेंस होता है, ब्लीडिंग होती है। तो व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लीडिंग? आपने पूछा ब्लीडिंग के रिस्पांसिबल कौन है, आंसर होगा रूट प्रेशर। क्लियर इतनी सी बात? तो रूट प्रेशर आपको समझ में आ गया, रूट प्रेशर रूट के द्वारा लगाया जाएगा, ऊपर की ओर लगाया जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी लगाया जाएगा, पुश किया जाएगा, धक्का दिया जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर है और इसमें आपका वाटर कंटिन्यूअस निकलता रहेगा, वहां से ओजिंग होता रहेगा। और आपका इसलिए कोई पूछे कट पार्ट से, कभी किसी प्लांट को काटोगे तो वहां से अगर पानी निकलने लगा तो समझ जाना कि वो क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है उसको। जैसे आपको ब्लीडिंग होती है, एक्जुडेशन भी बोल सकते हो उसको, और वो एक्जुडेशन या ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है? रोड प्रेशर की वजह से हो रही है। खत्म। अगला वर्ड आता है गटेशन। गटेशन वर्ड को समझ लेते हैं। गटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है वो समझना ध्यान से। रूट प्रेशर समझ में आया? अब ध्यान से क्वेश्चन का आंसर समझना। छोटे प्लांट की बात कर रहे हैं, छोटे हाइट के प्लांट जो है, बहुत बड़े बड़े प्लांटों की बात नहीं कर रहे हैं। हर्बेसियस प्लांट की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट प्लांट की बात कर रहे हैं। हर्बेसियस प्लांट है, छोटी हाइट का है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट की बात नहीं कर रहे। छोटे प्लांट्स में जहां जमीन में सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, मिट्टी में पानी कम होगा ज्यादा हो, जहां सफिशियंट अमाउंट वाटर हो, पानी पर्याप्त मात्रा में हो, तो मिट्टी में बहुत सारा पानी होगा तो पेड़ की रूट पानी एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी? ज्यादा कर लेगी या कम करेगी? ज्यादा करेगी। अब पानी एब्जॉर्ब करेगी, पानी का 99% पार्ट का क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होकर, भाप बनकर, इवेपोरेशन होकर उड़ जाता है पानी। 99% पानी बर्बाद हो जाता है प्लांट्स का। याद रखना, प्लांट जितना ही वाटर एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब वाटर जितना भी होता है उसका 99% वाटर बर्बाद हो जाता है ट्रांसपिरेशन में, उड़ जाता है। और 1% पानी को ही सिर्फ प्लांट यूज करता है, ये पता है सभी को। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आंसर समझना ध्यान से। कौन सा? पेड़ की रूट के पास पानी बहुत था, सॉइल में पानी बहुत था, पेड़ ने पानी को पी लिया, तो रूट प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? बहुत ज्यादा रूट प्रेशर हो गया, पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? थोड़ी दूर तक पानी ऊपर चढ़ेगा। अगर रात का समय होगा या सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी, अभी सन तेज से, तो ट्रांसपिरेशन तेज तेज हो रहा होगा, धीमे धीमे हो रहा होगा? रात को ट्रांसपिरेशन तेज होता है या धीमे होता है? शाम का समय हो, रात का समय हो, सुबह का समय हो, जब सन की लाइट बहुत तेज ना हो, उस समय ट्रांसपिरेशन फास्ट होता है या स्लो होता है? जल्दी आंसर दो। स्लो होता है, धीमे होता है। यस, सही आंसर है, धीमे। कौन दिखा है? ऋतुजा पांडे, अदिति हटवार, आर्या, दिव्या, वाह अच्छे अच्छे नाम है, विद्या यहाँ पे है, पलक, विष्णु, तान्या, गायत्री, हीना, अनुष्का। चलो ऐसे नाम याद हो जाएंगे धीरे धीरे हमको तो। संपदा, साक्षी बजाज। चलो अच्छी बात है, हमने समझा कि रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन कम होने की वजह से पानी उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। अब पानी क्या करेगा? प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, पानी भरता जा रहा। अब पानी करे तो करे क्या, उड़ नहीं पा रहा है। तो लीफ के कॉर्नर, मान लो लीफ है आपकी, ये लीफ है, लीफ के किनारे किनारे कॉर्नर वाले पार्ट में छोटे छोटे छेद होते हैं जो स्टोमेटा नहीं है, इट इज नॉट अ स्टोमेटा, अलग छेद है। इन्हें हाइड्रा थ्रोट के नाम से जानते हैं। कौन सा थ्रोट बोलते हैं छेद को? हाइड्रा थ्रोट, नॉट वन, इसकी स्टोमेटा नहीं है, लीफ में छेद है, लेकिन ये क्या है? हाइड्रा थ्रोट के नाम से जाने जाने वाले छेद है। हाइड्रा मीन्स पानी, थ्रोट मीन्स छेद, पानी के लिए छेद बने हैं। कहां पर बने हैं? लीफ के कॉर्नर में, मार्जिन ऑफ लीफ में। तो रिपीट कर रहे हैं, इन द मार्जिन ऑफ लीफ सेवरल स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट नोन एज हाइड्रा थ्रोट्स। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, इन सम प्लांट्स, सम हर्बेशियस प्लांट, इन द मार्जिन ऑफ लीफ
इन हर्बेशियस प्लांट इन द मार्जिन ऑफ लीफ सेवरल पोर्स आर प्रेजेंट, सेवरल पोर्स आर प्रेजेंट नोन एज हाइड्राफोर्स, दीज पोर हेल्प इन द क्या चीज मदद करेंगे, ओजिंग ऑफ वाटर, पानी को बाहर निकलने में मदद करेंगे, ओजिंग ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, पानी को बाहर निकलने में मदद करेंगे, पानी को बाहर निकलने में मदद करेंगे, कहां से, लीफ के कॉर्नर से, और इस तरह लीफ के कॉर्नर, लीफ तो बना नहीं पाएंगे सुंदर सी, लेकिन समझ लो, ये समझ लो किसी प्लांट की लीफ थी, इसके किनारे किनारे पर छोटे छोटे छेद होंगे, किनारे किनारे पर छोटे छोटे छेद होंगे मार्जिन पे, और इन छेद को क्या कहेंगे, इन छेद को हाइड्रा कहेंगे, ये स्टोमेटा नहीं है, अदर देन स्टोमेटा है, और इन छेद की वजह से इनसे क्या निकलेगा, अगर जमीन में पानी ज्यादा हुआ, सूखी जगह पे है ये निकलेगा पानी नहीं, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा हो और ट्रांसपिरेशन कम हो रहा हो उस कंडीशन में वाटर प्रेशर हाई हो जाएगा, वाटर प्रेशर हाई होने की वजह से यहां से पानी निकलने लगेगा इन छेदों से, और ये पानी बूंद बूंद करके आपको गिरता हुआ दिखेगा, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट कुछ प्लांट्स की पत्तियों से पानी गिरता हुआ दिख सकता है आपको, सुबह सुबह 4 बजे भोर में उठकर देखना कुछ प्लांट में, आपने कभी किसी ने मॉर्निंग वॉक किया हो या इवनिंग वॉक किया हो कभी जीवन में, वैसे करते नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी जीवन में किया हो और उसमें भी खाली पैर किया हो, खाली पैर पार्क में गार्डन में गए हो कभी और पैर में चप्पल उतारने के बाद गार्डन में थोड़ा सा वॉक किया होगा, अगर आपने मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, पैर गीले हो गए होंगे आपके, क्यों हो गए पैर गीले, अगर आपने चप्पल उतारी होगी तो पैर गीले हो गए होंगे सुबह सुबह ठंडी के मौसम में कि गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में ऐसा हुआ जाता, ठंड का मौसम हो सुबह या शाम का टाइम हो और आप खाली पैर चल रहे होंगे, वो आपका पैर पूरा गीला हो जाएगा घास से, ऐसा क्यों हुआ, घास से पैर गीला क्यों हो गया, क्या ऊपर से बारिश गिरी, ओस गिर रही थी उसकी वजह से हुआ पैर गीला, किसकी वजह से, पेड़ के अंदर से पानी निकल जाता है, कंफ्यूज मत रहिएगा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे ओस का पानी है, वो ओस का पानी तो आपके घर में छत में सब जगह होना चाहिए था ना, छत गीली होनी चाहिए थी आपकी, छत में चलते वो वहां पर सिर्फ पेड़ों से तो गीला हो रहा है, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कम हो गया सुबह शाम, ठंडियों के मौसम ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है कम होता है, कम होता है, गर्मियों में ज्यादा होता है, ठंडियों के मौसम में ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो, याद रखिएगा आपको गुटेशन पूछे कब होता है, तो गुटेशन इस वजह से गुटेशन बोलते हैं पानी के निकलने को, इसी गुटेशन बोलते हैं, गुटेशन का रूल याद करिए, ट्रांसपिरेशन का रेट लो हो जा पहला कंडीशन, ट्रांसपिरेशन रेट लो हो और वाटर एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट हो, तब ये दोनों चीजें होनी चाहिए, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले प्लांट और ट्रांसपिरेशन बहुत स्लो हो, इवेपोरेशन बहुत स्लो हो, तब उस कंडीशन पर क्या जनरेट होगा प्लांट के अंदर, हाई रूट प्रेशर जनरेट होगा, हाई रूट प्रेशर जनरेट हो जाएगा इन दोनों वजह से, इन दोनों वजह से प्रेशर, रूट का प्रेशर बढ़ता ही घटता है, रूट प्रेशर हाई होता है, कब बढ़ता है रूट प्रेशर हाई कब होगा, ठंडियों में कि गर्मियों में, सूखी जगह पर या मॉइस्ट जगह पर, कहां रूट प्रेशर ज्यादा हाई होगा, मॉइस्ट जगह पर रूट का प्रेशर ज्यादा होगा और गर्म जगह पर रूट का प्रेशर कम होगा। ए बच्चा 43 बच्चे देख रहे हैं लाइव, 18 बच्चे सिर्फ लाइक किए हैं, सिर्फ 18 बच्चों को पसंद आ रहा है लेक्चर, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, सो रहे हो लगता है, बाकी के बच्चे सो रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, 10-15 बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार, है ना, बाकी बच्चे सो रहे हैं, 26 बच्चे जगे, 26 बच्चों ने लाइक किया अभी तक, 41 बच्चे अभी है, 41 के 41 लाइक करो फटाफट, एक मिनट के अंदर जग रहे हो, ट्रांसपिरेशन रेट जब आपका स्लो होता, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं ऊपर से लाइक करके दबा रहा है, मारेंगे अभी पीछे, ट्रांसपिरेशन रेट लो हो, वाटर का एब्जॉर्प्शन रेट
ब्लास्ट हो तो रूट में एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे रूट प्रेशर कहते हैं, बहुत हाई रूट प्रेशर होता है, और हाई रूट प्रेशर की वजह से क्या होगा, पेड़ के इस हाइड्रोटोट से कॉर्नर कॉर्नर से लीफ के कॉर्नर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, क्या होगा, ऊजिंग ऑफ वाटर शुरू हो जाएगी, ऊजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम कहां से निकलेगा पानी, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ, मार्जिन ऑफ लीफ से या कह सकते हो हाइड्रोटोट से, हाइड्रोटोट से पानी निकलने लगेगा, और हाइड्रोटोट से पानी निकलने लगेगा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को गटेशन के नाम से जानेंगे। तो गटेशन, व्हाट इज गटेशन, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ, मार्जिन ऑफ लीफ से वाटर का लॉस होना ही गटेशन कहलाता है। इतनी सी बात समझ में आई, 38 बच्चों ने लाइक किया, बाकी बच्चे तो 40 बच्चे ऑनलाइन ही हैं, दो बच्चे अभी भी सो रहे हैं, लो 41 बस बच्चे 40-41 में भाग रहे हैं आज, कहाँ गए, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं आपकी क्लास में, 80 बच्चे रहते हैं इस बैच में, 80 बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, देखे कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, बाद में देख लेंगे, आराम से बाद में देख लेंगे, 40-42 बच्चे ऑनलाइन है, इसीलिए हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देना चाह रहे थे इस चैप्टर का, नहीं सो नहीं रहे, जग रहे हैं, देखो लाइक करिए, तुरंत जगह अपने को बताया कि हम लाइक कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, इतना सवाल गटेशन आपको समझ में आ गया, खत्म हो गया गटेशन, व्हाट इज गटेशन, पेड़ की लीफ के मार्जिन वाले पार्ट में जिसे छेद होते हैं जिसे हाइड्रोटोट कहते हैं, और इन छेद से पानी निकलता है, कब रूट प्रेशर हाई होता है, तब रूट प्रेशर कब हाई होता है, जब आपका ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो हो और वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट फास्ट हो, मतलब अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, इवनिंग में मॉर्निंग में नाइट में आपको गटेशन दिखता है, दोपहर को 2 बजे होगा क्या गटेशन, नहीं होगा, इतनी तेज धूप रहती है कहां गटेशन होगा, सारा पानी उड़ जाएगा उल्टा, जरा और बिल्टिंग हालत होगा ऐसे उल्टा, और 2 बजे पानी, 2 बजे पर ज्यादा पानी नहीं है, तो रही पेड़ जिनके पास बहुत पानी होता है वो बर्बाद करते हैं। अच्छा आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोटोट भी छेद है और स्टोमेटा भी छेद है, दोनों ही लीफ में होते हैं, इन दोनों छेद में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, तो याद रखना स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है जो स्टोमेटा को खोल सकती है और बंद कर सकती है, जबकि हाइड्रोटोट में कोई गार्ड सेल वगैरह कुछ नहीं होता, कोई इश्यू होता, हाइड्रोटोट हमेशा ओपन रहते हैं, कभी बंद होते ही नहीं, समझ गए बात को, हाइड्रोटोट हमेशा ओपन होते हैं जबकि स्टोमेटा ओपन और क्लोज दोनों हो सकते हैं, समझ गए बात को, अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, गटेशन समझ में आ गया आपको हल्का सा, समझ गया गटेशन, चलो एक चीज से मुक्ति मिली, गटेशन रूट, तो गटेशन भी क्यों हो रहा है, रूट प्रेशर के वजह से, रूट प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग भी रूट प्रेशर की वजह से होती है, गटेशन भी रूट प्रेशर की वजह से होता है, याद में आ गया आपको, रूट प्रेशर समझ में आया, रूट प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर है, पुशिंग प्रेशर है, पुश करता है, और इसका प्रेशर लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, बहुत ऊंचे तक पानी को नहीं चढ़ता, थोड़ी दूर तक चढ़ सकता है, एग्जांपल बताइए जिसमें गटेशन होता हो, टमाटर का प्लांट, टोमेटो इज द बेस्ट एग्जांपल, ग्रास इज द बेस्ट एग्जांपल, ग्रास में और टोमेटो में आपको गटेशन अच्छे से क्लियर देखने मिल जाता है, टमाटर के पेड़ में और आपके दूसरा ग्रास में, इन दोनों में बहुत क्लियर गटेशन दिखता है, गटेशन होता तो बहुत सारे प्लांट में है लेकिन अच्छे से आप देख सकते हो टोमेटो में और ग्रास में, समझ गए इस बात को, आपका ये समझ में आ गया होगा, रूट प्रेशर हमारा लगभग खत्म हो गया है, रूट प्रेशर का काम क्या था, रूट प्रेशर का काम था रीस्टैब्लिश द कंटीन्यूअस चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम, एनसीईआरटी की लाइन याद रखना, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट प्रेशर, सिंपल तरीके से बोले टू मेंटेन द कंटीन्यूअस वाटर कॉलम, या आपके एनसीईआरटी की लाइन से बोले तो लिखा है Re-establish the continuous chain of water molecules in the xylem. कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगली लाइन, एक लाइन एक दो लाइन और पढ़ लेते हैं, कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपसे पूछे पानी को ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर जाने के प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैक,
अच्छा ये चीज देखना, लास्ट लाइन फिर से समझना, जो यहाँ पे गटेशन से ये निकल रहा है ये पानी है क्या, वाटर है या सैप है, या समझ में आ रहा, ये प्योर वाटर नहीं है, याद रखिए इट इज नॉट अ प्योर वाटर, वाटर प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं इसमें, मेनी ऑर्गेनिक, प्योर वाटर नहीं होता वो, गटेशन से जो निकलता है उसमें बहुत सारी चीज निकल कर चली जाती है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते, सैप निकलता है, यस सही है आपका शिवम आंसर, आपका वाटर के साथ साथ में कार्तिक प्योर वाटर नहीं होता, वाटर प्लस वाटर तो होगा ही होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बहुत सारे निकलते हैं गटेशन से, तो आपसे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से नीट में कि गटेशन से क्या चीज बाहर निकलता है, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी, सब कुछ निकलता है, देखिएगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर सब मिलकर निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे वाटर कर रहे थे, वाटर में डिजॉल्व होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें, अब बोला है एसेंट ऑफ सैप, बट का मतलब समझ में आया, पानी का जाइलम से ऊपर जाने की प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं, एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है, पानी ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर पानी जाता है, किसमें जाता है, जाइलम में, ठीक है, जाइलम में पानी नीचे से ऊपर जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ए एस सी एन टी, एसेंट ऑफ सैप जो पढ़ना है हमको, एसेंट ऑफ सैप पानी ऊपर तक कैसे जाता है ये मालूम चलेगा, रूट प्रेशर से नहीं जाता, डिफ्यूजन एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन से नहीं जाता, तो कैसे जाता है वो अब पढ़ना अभी तक बाकी है, बता दें हल्का सा, एक मिनट तुम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपसे कोई पूछे कंपोनेंट्स ऑफ एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप में कौन कौन मदद करते हैं, तो पहला है कोहेशन फोर्स, नंबर टू है एडहेशन फोर्स, नंबर थ्री है सरफेस टेंशन फोर्स, और नंबर फोर है ट्रांसपायरेशनल पुल, ये चार लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और इन चारों कंट्रीब्यूशन से पानी ऊपर तक चढ़ता है जाइलम में, रिपीट कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा सिर्फ सुनकर रख लो, कल समझाएंगे, पानी को ऊंचाई तक चढ़ाना है, कैसे चढ़ेगा पानी, चार लोग मिलकर काम करेंगे, एडहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और ट्रांसपायरेशनल पुल, ये चार लोग मिलकर आपको चारों के कंट्रीब्यूशन से पानी ऊपर चढ़ता है, कितनी ऊंचाई चढ़ सकता है, अनुमान लगाया गया है 130 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ सकता है इस फोर्स के थ्रू, 130 मीटर, और बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट चलता है, 15 मीटर पर आवर, एक घंटा में 15 मीटर पानी चढ़ जाता है, स्पीड होती है कितनी, 15 मीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, मीटर बोल रहे हैं, फुट नहीं बोल रहे हैं, हम 1.5 मीटर के हैं लगभग, हम 1.5 मीटर के होंगे, 15 मीटर सोच लो कितना बड़ा हो गया, बहुत ऊंचाई लगभग पेड़, एक घंटे में 15 मीटर चढ़ जाता है, इस स्पीड से चढ़ता है पानी, और कितना ऊंचा चढ़ सकता है, 130 मीटर तक चढ़ सकता है, फुट नहीं है, पेड़ ही नहीं देखते ऊंचे, 100 मीटर तक तो हाईएस्ट प्लांट देखा है, तो 80-90 और 100 मीटर का, आपके किंगडम प्लांट भी पढ़ाए थे, हाईएस्ट प्लांट का नाम सिकोया प्लांट, 100 मीटर का होता था हाईएस्ट प्लांट का, टॉलेस्ट प्लांट था, उससे भी ऊपर पानी चढ़ता है, और ऊंचा पेड़ होगा तो भी चढ़ जाएगा पानी, 130 मीटर तक चढ़ने की कैपेसिटी है, जो फोर्स जनरेट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, चार चीजों की वजह से, कोहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स, सरफेस टेंशन और ट्रांसपोर्टेशनल पुल, इनकी वजह से अनुमान लगाया गया कितना फोर्स जनरेट होता है, कितना स्पीड से और इतना ऊंचा पानी चढ़ सकता है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इन चारों के बारे में क्या होता है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, हमको लगता है शायद अभी एक दो दिन का ब्रेक होगा, कल संडे है ना, संडे है, शायद मंडे को क्लास होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी मंडे को होली की छुट्टी होगी तो अच्छी बात है, जिस दिन भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस दिन हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आपने मेरा लाइक लाइक बटन दबाया उसके लिए भी धन्यवाद, 45 बच्चों ने लाइक किया उसके लिए भी धन्यवाद, जितने बच्चे ऑनलाइन है नहीं उससे ज्यादा बच्चों ने लाइक किया, मुझसे अच्छी बात है, लाइक करके भाग भी गए नहीं, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा होगा,
सोचते हैं बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे, क्या सोचते हैं आराम से देख लेंगे सर, क्या जल्दीबाजी, आप रिकॉर्डिंग दे दिए ना, अभी अगर लाइव जूम में ले रहे हो तो 80 बच्चे होते हैं यहाँ पे लाइव, 80 से कम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो बच्चे आलसी हैं। चलो थैंक यू बच्चा, बाय बाय, हैप्पी होली सभी को, मेरी तरफ से सभी बच्चों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, सेफली होली खेलिएगा, केयरफुली खेलिएगा, आँख पे कलर ना जाए, और आप और खेलिएगा उसमें से खेलिएगा, हल्दी की होली खेलिएगा घर पे, हाँ जिससे चेहरे को लगाने के बाद आपका चेहरा अच्छा हो खराब ना हो, कलर का चेहरा कलर वगैरह खेलते हैं, जो कलर बाजार में मिलता है उसको खेलने से आपकी आँख में चला गया तो आपकी आँख फूट सकती है, आपके मुंह में गया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है, और आपके चेहरे की शाइनिंग खत्म हो जाती है, लगभग 15-20 दिन के लिए आपका चेहरा खराब दिखने लगता है। इससे अच्छा 2-3 उपाय, हल्दी से होली खेलिए, गुलाल की होली खेलिए, टेसू के फूल आते हैं, टेसू आप जानते हो, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, पलास पलास बोलते हैं, टेसू बोलते हैं, तो उसके फ्लावर को पानी में डाल दीजिए, इससे बहुत होते हैं, और पूरा पानी ऑरेंज ऑरेंज खेलने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। एलोविदा से खेल सकते हैं, एलोविदा का पल्प निकाल लीजिए बहुत सारा, उसमें हल्दी मिक्स कर लीजिए, कोई कलर ऐसा कोई जो नुकसान ना करता हो, मिक्स करिए और खेलिए, ऐसी होली खेलिए, ठीक है ना, जिससे आपको नुकसान ना हो, दूसरे को नुकसान ना हो, गंदी वाली होली मत खेलिए, केयर अपने अपनी हेल्थ आपके अपने हाथ में है, ठीक है। और ऐसे कोरोना टाइम है तो और मत खेलिए, तो सबसे अच्छा है घर पे रहिए, अपने फैमिली के साथ खेल लीजिए, घर वालों के साथ जिनके साथ है, तो मारेंगे फेरन लवली वाला अमन है? ये रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड हो तो गया भाई, अच्छा रिकॉर्डेड मिलेगा क्या, यही लिंक है, यही लिंक में कभी भी क्लिक करोगे, जो लिंक अभी दिए हैं वो रिकॉर्डेड ही आ रहा, कभी भी खोल कर देख लेना, मिल जाएगा, ये अपलोड हो जाता है यूट्यूब में, क्लास जब भी लेते हैं तो अपने आप रिकॉर्डेड हो जाती है। चलो बाय बाय।